तो दोस्तों, जैसे ही व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, वैसे ही धड़ाधड़ जितने भी व्हाट्सएप यूजर है वो अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिए थे। बहुत सारे यूजर्स मतलब सिग्नल एप्लीकेशन, टेलीग्राम, हाइक जैसे एप्लीकेशन सब उतर आए और व्हाट्सएप का डाउनलोड बहुत कम हो गया था। तो इसीलिए व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को जो कुछ दिन के लिए रोक दिया है, ठीक है ना। तो अब इसीलिए इसी रीज़न के वजह से इंडिया के गवर्नमेंट ने अपना खुद का स्वदेश ऐप संदेश एप्लीकेशन लेके आए हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अभी जो है वो क्रोम ब्राउज़र में अवेलेबल, गूगल के क्रोम ब्राउज़र में अवेलेबल है। अब जो यूज करने के लिए दिया गया है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अभी फ़िलहाल है, बाद में हमारा जैसे कॉमन लॉ के लिए यूज़ करने के लिए वो प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा। अभी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा संदेश एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या। तो चलिए यार, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद आपको GIMS सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हो GIMS जैसे कि मेरे सामने आ गया है, ये वाला ऑप्शन गवर्नमेंट का है, इंडिया गवर्नमेंट का है। देख सकते हो सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो संदेश पोर्टल, तो यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये वाला है, ऊपर वाला है, और iOS यूज़र के लिए ये वाला है। तो फिलहाल अभी ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, देख सकते हो डाउनलोड 2.0.5 29 MB का एप्लीकेशन है ये। यहाँ पर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो एप्लीकेशन है मेरे पास डाउनलोड है, तो ये देख सकते हो ये एप्लीकेशन फ़िलहाल मेरे पास डाउनलोड है। यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये फ़िलहाल तो गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के कर्मचारी के लिए है, अभी हमारे लिए नहीं है, बाद में आएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है GIMS एप्लीकेशन। फटाफट से करते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर आपको ओके करना है, देन अलाउ करना है जो कुछ भी परमिशन मांग रहा है वीडियो के लिए, ठीक है ना, और मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस जो कुछ भी परमिशन मांग रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको सब कुछ अलाउ पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल और ईमेल दोनों के अंदर कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ, अपना फ़ोन नंबर जो कुछ भी। तो चलिए फटाफट से मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर अपना नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर OTP आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये पूरा नंबर नहीं दिया हूँ क्योंकि 100 नहीं करने के लिए चाहता हूँ, सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। तो नंबर देने के बाद गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास OTP आ चुका है, GIMS OTP, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से OTP को यहाँ पर डाल देते हैं। 9-1 OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, जो कुछ भी अपना आपके नाम जो भी है, DKV। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मेल सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट, देन यहाँ पर आपको ये फ़ोटो जो यहाँ पर दे सकते हो प्रोफाइल, ठीक है ना, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो कोई भी आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आपको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोफाइल भी दे चुका हूँ ऑलरेडी, देख सकते हो। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर देख सकते हो शेयर योर लोकेशन, यहाँ पर अलाउ लोकेशन या स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं स्किप मार देता हूँ, तो देख सकते हो वेलकम DKV। तो यहाँ पर कैंसिल मार सकते हो, नहीं तो SYNC सिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंकिंग होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हो जो कोई भी कॉन्टैक्ट में है, जो कोई भी चला रहे है, ठीक है ना। फिलहाल मेरे हिसाब से अभी कोई भी नहीं चला रहा भाई, कोई भी अभी भी है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो नीचे कॉन्टैक्ट है, चार ऑप्शन है कॉन्टैक्ट। यहाँ पर सिर्फ ये भाई मैं ही हूँ, कोई है तो पता नहीं क्या है, आएगा कि नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा भाई, क्योंकि अभी कोई भी नहीं चला रहे। यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन, देख सकते हो नोटिफिकेशन है और बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप कर सकते हो। सेटिंग में आप बैकअप यहाँ पर कर सकते हो, बैकअप में रख सकते हो, यूज दिस फोल्डर करके आप सब कुछ बैकअप में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैनेज कॉन्टैक्ट, आप सेटिंग, हेल्प, लॉगआउट भी कर सकते हो, ठीक है ना।
आपके जो सेटिंग है क्या क्या सेटिंग है, ऑटो डाउनलोड मीडिया फाइल्स ऑटो डाउनलोड हो जाएगा, ये भी आप ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैनेज कॉन्टैक्ट यहाँ पर देख सकते हो, ऐड कॉन्टैक्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो कॉन्टैक्ट को, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंक कर सकते हो देख सकते हो, फोन बुक सिंक जो कुछ बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हेल्प का ऑप्शन है यहाँ पर, जो कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो। और देन यहाँ पर ग्रुप देख सकते हो, आप ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर प्लस वाला पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो न्यू ग्रुप न्यू ब्रॉडकास्ट न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। न्यू ग्रुप ऐड करके डायरेक्ट जो कुछ भी करना है आपको यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो GIMS वेब है, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप वेब वो स्कैन करने के लिए है दूसरे कंप्यूटर में या कहाँ पर चलाने के लिए, ठीक है, इस टाइप का है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किसी को आप मैसेज वगैरह भेजने के लिए चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर प्लस वाला पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारा फोटोज़ वगैरह छोड़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो गैलरी है, फाइल्स है, कैमरा है, कॉन्टैक्ट है, ऑडियो है, डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो अभी स्टार्ट हो गया, और क्लिक करिए और रिकॉर्डिंग सेव्ड सक्सेसफुल, देन आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो, ऑडियो भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो फाइल्स हैं, जैसे हमारा व्हाट्सअप था, मतलब कुछ फाइल सेंड करते हो तो भाई वो MB का जो वो थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पर कम नहीं होगा, जैसे था वैसे ही ये सेंड होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्लस मिल गया। और यहाँ पर हाई वगैरह जो कुछ भी आप सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इमोजी वगैरह है, देख सकते हो इंडिया गवर्नमेंट के इमोजी है, बहुत सारे ऐसे इमोजी अप्रूव्ड इन ऐसे बहुत सारा देख सकते हो, बहुत सारे इमोजी है यहाँ पर सर्च कर सकते हो, बहुत बहुत सारे इमोजी है, ठीक है ना। टैग्स वगैरह देख सकते हो, टैगलाइन वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था संदेश एप्लीकेशन, स्वदेश एप्लीकेशन, संदेश एप्लीकेशन का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये एप्लीकेशन पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं ऐसा नया इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, करते रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।